Hi guys, welcome back. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, homeostasis. We are going to discuss ki homeostasis, hota kya, what processes are involved in it, and what role does homeostasis play in human body. So, the first thing that we need to understand is that what is the meaning of homeostasis? It is originated from a Greek word, home meaning similar, whereas, stasis meaning stable. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस इज मेंटेनिंग द इंटरनल कंडीशन ऑफ़ द बॉडी इरेस्पेक्टिव कि एक्सटर्नली हमारे पास क्या चेंजेस आ रही है इन द इन्वायरमेंट राइट जो हमारे पास इंटरनल कंडीशन रहती है इट इज़ मेंटेन्ड एट अ स्टैटिक लेवल उसमें कोई भी चेंज नहीं आता फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ये वो लेवल है जिसके ऊपर ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स विल वर्क द बेस्ट सबसे सही काम करेंगे एट दस्ट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्लियर तो दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इज नेसेसरी टू मेनटेन द प्रॉपर कंडीशन ऑफ आर बॉडी सिमिलरली अगर हम लोग शुगर लेवल की बात करें वन ग्राम पर लीटर दैट इज द्लड शुगर लेवल हम लोग जितना भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर लें दिस शुगर लेवल रिमेन्स द सेम अनलेस दॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सर्टन डिजीजेज अदरवाइज अगर एक हेल्दी इंसान है तो उसके अंदर हमारे पास शुगर लेवल विल ऑलवेज़ रिमेन वन ग्राम पर लीटर एंड ऑलवेज़ रिमेन थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ताकि हमारे बॉडी की जो फंक्शन है दे विल अकर प्रॉपरली तो दिस इज बेसिकली होम्योस्टेसिस के इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेन्टेन रखना कंट्रोल रखना इंस्टेड ऑफ एवरी चेंजेस दैट इज़ अकरिंग इन द इन्वायरमेंट के बाहर जो मर्जी एक्सट्रीम वेदर्स हो बेशक एक्सट्रीम टेम्परेचर हो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा दैट विल स्टे एट अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्लियर देर आर नाउ थ्री प्रोसेसेस, हमारे पास तीन प्रोसेसेस होते हैं होम्योस्टेसिस के अंडर जो कि डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की इन आर बॉडी दे आर ऑस्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन एंडल वी विल डिस्कस इट वन बाई वन इन डिटेल सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन दर्ल्ड इज इंडिकेटेड किससे डिराइव हुआ है इट इज डिराव फ्रॉम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस इज डिराव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑस्मोस दैट मीन्स जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू आर माइंड इज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर कंसेंट्रेशन है और इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन है उसको जो कंट्रोल करता है उसको जो मेंटेन करता है दैट इज मेन्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस राइट तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होगा रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन और टू कंट्रोल समथिंग राइट तो टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लू विद इन द सेल एंड इन ब्लड हमारे पास जो है टिश्यू फ्लुड्स के अंदर ब्लड के अंदर जो हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन होगी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइड की कंसेंट्रेशन होगी उसको जो मेंटेन करना होता है दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन एंड देर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं टू परफॉर्म दिस फंक्शन और हमारी बॉडी के अंदर द मेजर ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इज द किडनी वो हमारे पास किडनी है इट इज प्लेइंग अ मेजर रोल हमारे पास जो वॉटर और सोल्यूट कॉन्टेंट है इन द बॉडी दैट इज बींग कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन दोसेस इज द

इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्यों हमारे पास जरूरी है मेंटेन करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट एंजाइम कैन वर्क प्रॉपर्ली एंजाइम कैन गिव देयर बेस्ट सारे जो फंक्शन है जितने भी हमारे पास रिएक्शन हैं वो प्रॉपरलीर्ज कर सके इन बॉडी और बॉडी जो है प्रॉपरली हमारे पास सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके दिस इज द रीज़न कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नीड बी मेनटेन एट अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अभी जो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसको हम कहते क्या है इट इज नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर द मीनिंग ऑफ दर्ड ऑप्टिमम इज तो हम लोग क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं फेवरेबल तो दिस इज दैट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस अपनी बेस्ट एक्टिविटी देगा राइट तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इन ह्यूमन इज अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस

इज डन बाई द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वॉट इज मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोग ये डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं दीज आर दोज मटीरियल्स जो कि मेटाबोलिज्म हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन अक्कर कर रहे हैं जितने भी हमारे पास चेंजेस अक्र कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हमारे पास मटीरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड पॉइज फॉर द बॉडी एंड इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी दोज आर नोन एज मेटाबॉलिक

दैट इज नॉट रिक्वायड बाई आर बॉडी और वो उसको जो है इफ दे रिजाइड इन अवर बॉडी दे आर गोइंग टू कॉज दार्मिस बॉडी देअर फॉर दिज सबस्टांसिस नीड टू बी एलिनेटेड एंड यूरनरी सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन एलिमिनेटिंग दो दिस कंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन टू द होम्योस्टाइसिस जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि वट इज होम्योस्टाइसिस एंड वट आर द प्रोसेसिस विच आर में इंटरनल बॉडी कंडीशन I hope everything is clear. If you have got any question, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And do subscribe and share. Till next time, stay safe. Bye guys.